हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ खुशबूदार हैदराबादी बिरयानी मसाला पाउडर घर पर कैसे बनाएं उसकी रेसिपी। तो कम खर्च में आप घर पर ही ये खुशबूदार बिरयानी मसाला पाउडर बनाकर तैयार कर पाएंगे और इसकी खुशबू और फ्लेवर जिससे बिरयानी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस बिरयानी मसाला पाउडर को जैसे मैंने बताया है उस तरह से बनाकर अगर स्टोर कर कर रखेंगे और रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी और ज़ायकेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस मसाले पाउडर को आप भी बनाकर स्टोर कर कर रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी है ये। तो चलिए इस खुशबूदार बिरयानी मसाला को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें जाने वाले इंग्रेडिएंट्स। तो इसकी सारी पक्की मेजरमेंट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, तो प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं उसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज लिए हुए हैं, यानी कि कोरिएंडर सीड्स 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 बड़े चम्मच ज़ीरा, 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सौंफ, यानी कि चाय के चम्मच। तो जो हमारे किचन में रेगुलर स्पून्स मौजूद होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, उसी स्पून से मैंने सारी चीज़ों को मेज़र किया है और कैसे करते हैं मैंने एक वीडियो में इसको बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, तो वहाँ से आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इससे आपको सारी मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 8 से 10 फूल जावित्री का लिया हुआ है और इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 2 बादियान का फूल, यानी कि स्टार अनीस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 इतना सफिशिएंट है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 जायफल लिया हुआ है, नटमेग, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे काली इलायची जो कि ब्लैक कार्डमन होती है वो ली हुई है 4 पीस। लौंग ली है मैंने, तो लौंग यहाँ पे मैंने 18 से 20 पीस ली हुई है और स्पून से ये 1 टेबल स्पून है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे हल्दी लिया हुआ है 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है, तो 4-5 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, कुछ 2 इंच का होगा ये। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली हुई है, तो हरी इलायची भी मैंने 12-15 पीस ली हुई है और टेबल स्पून में करेंगे मेजर तो ये 1 चम्मच भरकर होगी। और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच ही भरकर काली मिर्ची ली हुई हैं और 10-12 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लाल सूखी मिर्चें। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक बार वापस मैं बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सारी मेजरमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है जिसमें मैंने रोस्ट करना है कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे धनिया, ज़ीरा और सौंफ डाला है क्योंकि इसको रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब मैंने फ्लेम को, जब ये रोस्ट हो चुके हैं तो बिल्कुल सिम कर दिया है और सिम फ्लेम पे, क्योंकि ऑलरेडी ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं इसमें सारे खड़े मसाले जो मैंने बताए हैं वो डाल दे रही हूँ। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इन मसालों को रोस्ट नहीं करना है, फ्लेम को बिल्कुल सिम रखनी है जिससे कढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छी गर्म हो जाए और जब इस गर्म कढ़ाई में हम मसाले डालें तो मसाले भी अच्छे गर्म हो जाए। तो यहाँ पे ये जो खड़े मसाले हैं वो हमारे हल्के ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, थोड़े गर्म हो गए हैं, इसी में मैं एक और इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है तिलदाना, यानी कि सफ़ेद तिल, और इसको भी मैं साथ में इसके ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो तिलदाना मैंने डाला है वो इस बिरयानी मसाला पाउडर को बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे जब हम बिरयानी बनाते हैं तो वो बिरयानी बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है और याद रखे मैंने ज़्यादा नहीं इसको भूना है, टोटल यहाँ पे 1.5 मिनट मैंने इस मसाले को ड्राई रोस्ट किया है, पहले के 0.5 मिनट हाई फ्लेम पे जब मैंने ज़ीरा और धनिया को ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद में 1 मिनट सिम फ्लेम पे। बस इन सारे खड़े मसाले को हल्का सा ही हमें ड्राई रोस्ट करना होता है जिससे ये मसाले बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं, बिल्कुल फाइन पिसते हैं, और दूसरी बात ये कि इनका जो फ्लेवर है इन्हांस हो जाता है। तो इसीलिए हमें मसालों को हल्का सा रोस्ट करना ज़रूरी है। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, बस हल्का सा ये हाथों को टच हो इतना मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है। और अब जब ये मसाले थोड़े ठंडे हो गए हैं तो मैं इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको ग्राइंड कर इसका फाइन पाउडर बना लूँगी। तो यहीं पर मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दे रही हूँ और बस इसको बहुत ही फाइन पीस लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और जैसे ही मैंने इसके लिड हटाई है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस तरह का बिल्कुल बहुत ही फाइन बारीक पाउडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर वापस से छान भी सकते हैं, लेकिन मैं मसालों को छानना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये मसाले हमारे बहुत अच्छे से ग्राइंड होकर फाइन पाउडर बन चुके हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है हमारे इस बिरयानी मसाला पाउडर का और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
तो ये लीजिए हमारे खुशबूदार बिरयानी मसाला पाउडर घर पर ही बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। तो इस तरह से मेरी इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस मसाले को घर पर बनाइए और बनाकर अपनी बिरयानी में यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितने मेजरमेंट्स में कितना यूज़ करना है इस बिरयानी मसाला पाउडर को। तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला है ये मेजरिंग स्पून है जो कि एक बड़े चम्मच है, और ये जो है स्टील वाला ये घर का हमारा रेगुलर स्पून है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं घर पे ही, तो ये एक बड़े चम्मच है। तो अगर आप चाहें तो इससे लें तो ये एक चम्मच फुल भरकर आपको लेना होगा। तो यहाँ पे जब भी आप 1 kg कुछ चिकन या मटन में बना रहे हैं तो इसका इस मसाले का आपको एक चम्मच लेना होगा। तो यहाँ पे ये एक खाने के चम्मच है, ये चाय का चम्मच नहीं है, ये एक बड़े चम्मच है, टेबल स्पून। तो इसी तरह से आपको इस मसाले की मेजरमेंट्स बढ़ानी होगी अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं किसी चीज़ की। तो बस इसी तरह से आपको इस बिरयानी मसाला को यूज़ करते हुए अपने डिश को तैयार करना है। तो इंशाल्लाह और ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो इस मसाले को आप चाहें तो मेरी तरह इस तरह से स्टोर कर भी रख सकते हैं। मैं इसी तरह से इसको स्टोर कर रखती हूँ जिससे ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल फ्रेश और खुशबूदार रहता है। और ये घर पर बना हुआ है तो प्योर तो है ही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और इस तरह से आप भी इस मसाले को बनाएं, अपने किचन में स्टोर करें और इससे अपनी बिरयानी को बनाएं तो बहुत ही अच्छी बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी तो इस रिक्वेस्ट पर मैंने ये बिरयानी मसाला पाउडर आप सभी के साथ में शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। तो अगर ये बिरयानी मसाला पाउडर की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा जिससे हमारी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।